हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि डेल्टा MS-300 ड्राइव को पुश बटन से स्टार्ट और स्टॉप कैसे करते हैं और जॉग फॉरवर्ड और रिवर्स कैसे करते हैं। स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए हमने दो पुश बटन लिए हैं। स्टार्ट बटन में NO ब्लॉक यूज़ किया है और स्टॉप बटन में हमने NC ब्लॉक यूज़ किया है। जॉग फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए हमने सेलेक्टर स्विच लिया है। ये स्प्रिंग रिटर्न सेलेक्टर स्विच है, इसमें दोनों ब्लॉक NO हैं, फॉरवर्ड के लिए एक और रिवर्स के लिए। एक साइड करेंगे तो फॉरवर्ड चलेगा और एक दूसरी साइड करेंगे तो ड्राइव हमारा रिवर्स में चलेगा। तो सबसे पहले हम इसकी वायरिंग करना सीखेंगे, उसके बाद प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक के देखते रहिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। ड्राइव की वायरिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ड्राइव का मोड सेलेक्शन देखना होता है कि ड्राइव हमारा PNP मोड में है कि NPN मोड में है। यहाँ पे डायग्राम बना होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड नंबर का जो है NPN और PNP मोड सेलेक्शन होता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ड्राइव हमारा NPN मोड में होता है। जो डीप स्विच है यहाँ पे लेफ्ट साइड रहेगा तो NPN मोड में, और अगर राइट साइड हो जाएगा तो PNP मोड में, तभी बाय डिफ़ॉल्ट NPN मोड में है। तो NPN मोड में हम वायरिंग करने के लिए DCM से करेंगे। जब ड्राइव हमारा NPN मोड में सेलेक्ट रहेगा तो हम ड्राइव की जो कंट्रोल वायरिंग है DCM के थ्रू करेंगे, और अगर PNP मोड में सेलेक्ट रहेगा तो हमें ड्राइव की कंट्रोल वायरिंग 24 वोल्ट से करना होगा, तभी हम DCM के थ्रू कंट्रोल वायरिंग करेंगे। सबसे पहले DCM से एक वायर लेंगे और स्टॉप बटन जो NC पुश बटन है उसके एक पॉइंट में कनेक्ट करेंगे। इस तरह से स्टॉप बटन के जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ से जो वायर निकलेगा उसको हम स्टार्ट बटन के एक पॉइंट में कनेक्ट करेंगे, और स्टॉप बटन से ही जो वायर निकलेगा एक और उसको हम MI3 ड्राइव के MI3 में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टार्ट बटन का जो NO ब्लॉक है उससे जो वायर निकलेगा उसको हम MI1 में कनेक्ट करेंगे। MI1 इस तरह से स्टार्ट और स्टॉप बटन की वायरिंग कर दी हमने। अब हम सेलेक्टर स्विच की वायरिंग करेंगे। सेलेक्टर स्विच में दोनों ब्लॉक NO हैं, तो सेलेक्टर स्विच के दोनों ब्लॉक के एक एक पॉइंट में हम जो DCM है, DCM से जो वायर आएगा उसको भी कनेक्ट करेंगे एक एक पॉइंट में। दोनों ब्लॉक के एक एक पॉइंट में DCM को कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो इनपुट फॉरवर्ड का हो उसको हम MI6 में कनेक्ट करेंगे। अगर ये फॉरवर्ड है इसको हम MI6 में कनेक्ट कर देते हैं, और रिवर्स के लिए जो दूसरा वाला ब्लॉक है उसको, जो आउटपुट है उसको MI7 में कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमने पुश बटन की और सेलेक्टर स्विच की वायरिंग कर ली। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करना सीखते हैं। प्रोग्रामिंग करने के लिए हमने ड्राइव का यूजर मैनुअल यूज़ किया है। जब भी हम ड्राइव को प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले हम ड्राइव को फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग में रिसेट कर लेना चाहिए, ताकि हम जो भी पैरामीटर सेट करें तो प्रॉपर वर्क करें। तो पैरामीटर रिसेट का पैरामीटर है 00.02। मोड की को प्रेस करते हैं, आउटपुट फ्रिक्वेंसी शो करेगा, DC वोल्टेज, एम्पियर, फॉरवर्ड या रिवर्स। फॉरवर्ड या रिवर्स जब भी लिखा आएगा उसके बाद हम इंटर की को प्रेस करेंगे। तो हम प्रोग्रामिंग मोड में इंटर हो गए हैं। यहाँ प्रोग्रामिंग ग्रुप है 00, हमें जाना है 00.02। इंटर की को प्रेस करेंगे, अप डाउन की का यूज़ करके हम 00.02 में जाएंगे। इंटर करते हैं, यहाँ पे 0 है, इसको अप डाउन की का यूज़ करके हम इसको 9 करेंगे। एंटर करते हैं तो हमारा ड्राइव जो है फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग 50 हर्ट्स में रिसेट हो जाएगा। रिसेट करने के बाद पैरामीटर है 00.20 मास्टर फ्रीक्वेंसी सोर्स। हमें पैरामीटर 00.20 में मास्टर फ्रीक्वेंसी सोर्स सेलेक्ट करना है कि हमें ड्राइव के जो फ्रीक्वेंसी सोर्स है हम कहाँ से देंगे। अभी हम ड्राइव को मास्टर फ्रीक्वेंसी
ड्राइव के ही डायल से देंगे, जो डायल है इसी के थ्रू ड्राइव की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। तो हमें पैरामीटर 00.20 में 7 करना है। 7 का मतलब होता है डिजिटल कीपैड डायल। मोड की को प्रेस करते हैं, प्रोग्रामिंग मोड में जाते हैं, इंटर करते हैं, 00.20 में जाना है, 00.20 इंटर करते हैं। अब यहाँ पे 0 है, इसको हमें 7 करना है, 7 कर देंगे तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है मास्टर फ्रीक्वेंसी तो डायल के थ्रू चेंज होगी। इसके बाद आता है पैरामीटर 00.21 ऑपरेशन कमांड। हमें जो ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप की कमांड है किसके थ्रू देने, हमने जो पुश बटन है उसके थ्रू स्टार्ट और स्टॉप करना है। तभी हम यहाँ पे 1 सेलेक्ट करेंगे। 1 का मतलब होता है एक्सटर्नल टर्मिनल। पैरामीटर है 00.21 आ गया, एंटर करते हैं। यहाँ पे 0 है, इसको हमें 1 करना है। जैसे ही 1 कर देंगे तो हमारा ड्राइव एक्सटर्नल मोड में सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें ड्राइव का स्टॉप मोड सेलेक्ट करना होता है कि हमें ड्राइव को जब स्टार्ट करें और इसके बाद जैसे स्टॉप करते हैं तो ड्राइव हमारा धीरे धीरे स्टॉप हो या जैसे स्टॉप का बटन दबाएं तो वैसे ही तुरंत स्टॉप हो जाए। तो हमें यहाँ पे सिलेक्शन करना होता है, स्टॉप मोड सिलेक्शन। तो अभी अगर हमें ड्राइव को रैंप में करना है तो यहाँ पे 0 सेलेक्ट करेंगे। अगर स्टॉप कॉस्ट स्टॉप करना है कि जैसे हम स्टॉप बटन दबाएं तो हमारा ड्राइव तुरंत बंद हो जाए, इसके लिए हमें यहाँ पे 1 सेलेक्ट करना होगा। पैरामीटर है 00.22, एंटर करते हैं, यहाँ पे 0 है। अभी हम इसको रैंप में स्टॉप करेंगे कि धीरे धीरे हमारा ड्राइव स्टॉप हो। स्टॉप मोड सेलेक्ट करने के बाद हमें इसके बाद पैरामीटर हमें सेलेक्ट करना होता है ड्राइव का मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, कि हमें ड्राइव को कितनी हर्ट्स पे स्टार्ट और स्टॉप करना है। तो हम यहाँ पे पैरामीटर है इसका 01.00, पैरामीटर 01.00 में हम ड्राइव की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। मोड की को प्रेस करके पैरामीटर ग्रुप 01 में आते हैं, इंटर करते हैं, 01.00 इंटर करते हैं। यहाँ पे 50 हर्ट्स पड़ा है तो हमें अगर चेंजेस करना हो तो हम इस यहाँ पे जाके ड्राइव की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पैरामीटर आता है 01.12 एक्सलरेशन टाइम। पैरामीटर 01.12 में हमें ड्राइव का एक्सलरेशन टाइम सेट करना होता है कि जब भी ड्राइव को हम स्टार्ट करें तो ड्राइव 0 हर्ट्ज़ से जो भी सेट फ्रीक्वेंसी हो उसको अचीव करने में कितना टाइम ले, तो वो टाइम हमें यहाँ पे एक्सलरेशन टाइम में सेट करना होता है। तो पैरामीटर है 01.12, मोड की को प्रेस करते हैं, पैरामीटर 01.12 इंटर करते हैं। अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 सेकंड पड़ा है, इसको हम अप डाउन की का यूज़ करके हम इसको कम कर देते हैं। अभी हम इसको 5 सेकंड कर देते हैं। जैसे ड्राइव को स्टार्ट करेंगे तो 5 सेकंड में जो ड्राइव की सेट फ्रिक्वेंसी रहेगी उसको अचीव कर लेगा। उसके बाद आता है पैरामीटर 01.13 डी एक्सलरेशन टाइम। यहाँ पे हमें ड्राइव को डी एक्सलरेशन टाइम सेट करना होता है। जैसे ड्राइव को स्टॉप करें तो हमारा ड्राइव जो है स्टॉप जो करंट फ्रीक्वेंसी से 0 हर्ट्ज़ आने में कितना टाइम लें, तो टाइम हमें यहाँ पे सेट करना था। अगर हमें ड्राइव को तुरंत स्टॉप करना है तो वहाँ पर जो पैरामीटर हमने स्टॉप मोड में सेलेक्ट किया था 00.22 में, स्टॉप मोड में अगर हम रैंप करेंगे तो रैंप टाइम हमें यहाँ पे डी एक्सलरेशन टाइम में सेट करना होता है। अगर रैंप सेलेक्ट करेंगे पैरामीटर 00.22 में रैंप सेलेक्ट कर देंगे तो हमें उसका रैंप टाइम कितना है वो टाइम हमें 01.13 में सेलेक्ट करना होता है। तो पैरामीटर है 01.13, एंटर करते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 10 है, 10 सेकंड है, इसको हम कम कर देते हैं। हमने इसको 2 सेकंड कर दिया। जब भी हम ड्राइव को स्टॉप करेंगे तो 2 सेकंड में ड्राइव जो करंट फ्रीक्वेंसी से 0 हर्ट्ज़ में आ जाएगा। उसके बाद एक्सलेशन और डी एक्सलेशन टाइम सेट करने के बाद हमें इसके बाद पैरामीटर आता है 01.20 जॉग एक्सलेशन टाइम।
जॉब फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए सेलेक्टर स्विच लिया है तो हमें उसका एक्सेशन टाइम ही सेट करना होता है कि हमें जब सेलेक्टर स्विच को फॉरवर्ड या रिवर्स करें तो हमारा जो जो जॉब फ्रिक्वेंसी जो भी हो तो फ्रिक्वेंसी को कितने सेकंड में अचीव करें तो हमें उसका एक्सेशन और डी एक्सेशन टाइम यहाँ से सेट करना होता है। तो एक्सेशन का पैरामीटर है 01.20 और डी एक्सेशन का पैरामीटर है 01.21। तो पैरामीटर है 01.20, एंटर करते हैं। यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट 10 सेकंड है, इसको भी हम कम कर देते हैं, 2 सेकंड कर दिया हमने, एंटर कर देते हैं। और डी एक्सेशन का पैरामीटर है 01.21, एंटर करते हैं, ये भी 10 सेकंड है, इसको भी हम 2 सेकंड कर देते हैं या 1 सेकंड कर देते हैं। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम सेट करना होता है। एक्सेलरेशन और जॉब एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम सेलेक्ट करने के बाद हमें जॉब फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना होता है। तो जॉब फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर होता है 01.22 जॉब फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमें जॉब फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना होता है कि हमें जॉब फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 6 हर्ट्ज़ है, 6 हर्ट्ज़, तो हम इसे चेंजेस नहीं करेंगे, इससे 6 ही रहने देते हैं। जॉब पैरामीटर सेट करने के बाद हमें ड्राइव में वायरिंग मोड सेलेक्ट करना होता है कि 2 वायर मोड में ड्राइव का ऑपरेशन करना है कि 3 वायर मोड में। अभी हमने जो ड्राइव की वायरिंग की है इसके अकॉर्डिंग की है, हमने DCM लिया है, DCM से स्टॉप बटन में इनपुट दिया है, स्टॉप बटन से एक वायर निकला उसको हमने MI3 में कनेक्ट किया है और उसी वायर को स्टार्ट बटन में दिया और स्टार्ट बटन से जो वायर निकला उसको M1 में कनेक्ट किया है। तो हमने इस तरह से वायरिंग की है, इसलिए हमें पैरामीटर 02.00 में हमें यहाँ पे 3 सेलेक्ट करना है, 3। तो हमें यहाँ पे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वायरिंग मोड सेलेक्ट करना होता है कि हमें कौन से मोड में करनी है, 2 वायर मोड में या 3 वायर मोड में। तो अभी हमने यहाँ पे 3 वायर मोड में वायरिंग की है तो हम यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर देंगे। तो पैरामीटर है 02.00, मोड की को प्रेस करते हैं, पैरामीटर ग्रुप 02 में जाते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पे आ गए 02.00, एंटर करते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 है, इसको हमें 3 करना है, तो हमारा ड्राइव जो है 3 वायर मोड में सेलेक्ट हो जाएगा। मोड सेलेक्शन के बाद हमें ऑपरेशन मोड सेलेक्ट करने के बाद हम जॉब फॉरवर्ड और रिवर्स का कमांड सेलेक्ट करते हैं। हमने जॉब फॉरवर्ड और रिवर्स को MI6 में कनेक्ट किया है, MI6 और 7 में कनेक्ट किया है। जॉब फॉरवर्ड का जो इनपुट है हमने MI6 में कनेक्ट किया है और रिवर्स के इनपुट है उसको हमने MI7 में कनेक्ट किया है। MI6 का पैरामीटर है 02.06 और MI7 का 02.07। तो हमें पैरामीटर 02.06 में जॉब फॉरवर्ड सेलेक्ट करना है। तो जॉब फॉरवर्ड के लिए यह है 24 जॉब फॉरवर्ड जॉब कमांड और 26 रिवर्स जॉब कमांड। तो हमें जिस भी इनपुट में हम जॉब फॉरवर्ड और रिवर्स का इनपुट कनेक्ट करेंगे उसमें हमें 24 और 25 सेलेक्ट करना है, 24 और 25। तभी हमने पैरामीटर 06 में जाना है, 06। यहाँ पे हमने जॉब फॉरवर्ड का इनपुट कनेक्ट किया है इसलिए हम इसको 24 कर देंगे और रिवर्स के इनपुट को हमने 0 MI7 में कनेक्ट किया है, उसका पैरामीटर है 02.07, एंटर करते हैं, यहाँ पे 0 है, इसको हम 25 कर देंगे। तो हमारा ड्राइव जॉब फॉरवर्ड और जॉब रिवर्स में सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमने जो भी पैरामीटर सेट किए हैं उसको चेक करते हैं, मोड की को प्रेस करके प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आ जाते हैं। हमने फ्रीक्वेंसी के लिए ड्राइव का ही डायल यूज़ किया था, हमें जो पैरामीटर सेट किया था तभी डायल के थ्रू हमारी मास्टर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। स्टार्ट करते हैं,
हमारा ड्राइव रन हो गया है। अभी रन का इनपुट हमने MI1 में कनेक्ट किया है, तो इसलिए हमारा ड्राइव रन फॉरवर्ड में रन हो गया है। और स्टॉप करते हैं तो हमारा ड्राइव स्टॉप हो गया है, स्टॉप LED ऑन हो गया तो ड्राइव स्टॉप में हो गया है। उसके बाद हम जॉब फॉरवर्ड करते हैं, जॉब फॉरवर्ड की मास्टर फ्रिक्वेंसी है 6 हर्ट्स, तो हमारा ड्राइव 6 हर्ट्स फॉरवर्ड में दिख रहा है। जैसे हम इसको रिवर्स करते हैं तो हमारा ड्राइव जॉक रिवर्स में 6 हर्ट्ज़ में ऑन हो गया है। तो इस तरह से हम पुश बटन के थ्रू ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप और सेलेक्टर स्विच के थ्रू हम ड्राइव को जॉक ऑपरेशन करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा।